Dear students, welcome on RCA online Pathshala. Now we start question number 3. Kya hai? Show that the line passing through the points this one and this one is perpendicular to the line. Ye another line hai. Passing through the points this one and this one. Iska matlab kya hai? Aapke paas do line hai aur aap aisa bol sakte ho ki ek line ye hai aur ek line ye hai. Both are perpendicular to each other. ये आपको prove करना है. Show that का मतलब क्या है? Prove करना. तो देखिए, ध्यान देना. यही question है. ध्यान देना. Let line first. ठीक है, हम इनके name mention कर देते हैं. Line first पहला बोल देंगे और line second किसको बोलेंगे? जो ये इस point से pass हो रही है ना. देखो, let line first. Passing through the points 1 minus 1, 2 and 3, 4 minus 2. Right line first passing through the points this one and this one. Therefore, its DRs will be क्या होते हैं बोलो पढ़ा हुआ ना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आप यूं भी लिख सकते हो और आपका मन एंगुलर ब्रैकेट में लिखने का है तो आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर भी मेंशन कर सकते हो और आप नहीं भी लिखते हो तो भी ये गलत है? नहीं है उसके बाद ध्यान देना 3 माइनस 1 उसके बाद 4 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 1 और माइनस 2 माइनस टू ठीक है ना देखो ध्यान से 3 माइनस 1 उसके बाद 4 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा उसके बाद माइनस 2 और माइनस 2 कंप्लीट तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा 2 5 और माइनस 4 मतलब आप कह सकते हो कि जो लाइन फर्स्ट है उसके डायरेक्शन रेशियोस क्या निकल के आए 2 5 एंड माइनस 4 ठीक है ऐसे ही मैं बोलता हूं सिमिलरली सिमिलरली अब वो चीज में पूरी नहीं मेंशन कर रहा सिमिलरली डीआरस ऑफ लाइन सेकंड विल बी क्या होंगे बोलो देखो 3 माइनस 0 3 माइनस 0 ठीक है उसके बाद क्या होगा 5 माइनस 3 5 माइनस 3 और उसके बाद बोलो 6 माइनस 2 तो ये क्या निकल गया यहां से 3 2 4 कंप्लीट है देखो ये आपके पास क्या है a1 b1 c1 और ये क्या है a2 b2 c2 कंप्लीट अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है शो दैट लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड ये आपको अपने मैंने अपने ही लैंग्वेज में बताया है ठीक है ध्यान देना बिल्कुल क्वेश्चन बड़ा मजेदार बन चुका है देखिए टू प्रूव क्या है लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड इसका मतलब क्या हुआ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या है जीरो ये आपको प्रूव करना है तो मैं काम करता हूं ऊपर से क्या करता हूं इसमें देखो प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं LHS ले लो RHS निकाल दो या RHS लेके LHS निकाल दो या दोनों को सॉल्व करके इक्वल कर दो यही तो होता है तो देखो LHS ले लिया मैंने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 उसके बाद देख लो a1 a2 क्या होगा देख लो ये क्या होगा 2 3 जा 6 उसके बाद 5 2 जा 10 और माइनस का 16 और ये क्या हुआ 0 देखो ना 16 माइनस 16 क्या हुआ 0 और यही आपका क्या है RHS है लिख सकते हो हैंस लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड गॉट इट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा
और कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैंने आप इस पे क्यों नहीं लिखा, मैं आपको जब नोट्स सेंड करूंगा उस टाइम लिख दूंगा सिमिलरली लाइन सेकंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, देयरफॉर इट्स डीआर विल बी, ठीक है ना। ऐसा आपको बिल्कुल देखो, हम वीडियो के माध्यम से केवल इतना करते हैं कि हमें जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो ठीक प्रकार से समझ में आए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या लिखा है। इफ द लाइंस दिस वन एंड दिस वन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो ध्यान दो, सीधा लिख लेता हूं द आर्स ऑफ लाइन फर्स्ट, बेटा फर्स्ट मैंने इसको बोला है और सेकंड मैंने किसको बोला है, इसको बोला है ना। देखो डी आर्स ऑफ लाइन फर्स्ट क्या होगा बोलो, ध्यान दीजिए माइनस थ्री टू के टू, ठीक है। ऐसे ही डी आर्स ऑफ लाइन सेकंड क्या होंगे बोलो, थ्री के वन एंड माइनस फाइव, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकेंड, ठीक है। देयरफोर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ए वन ए टू क्या होगा, माइनस का नाइन के, देखो ना थ्री थ्री नाइन हो जाएगा ना, और यहां से क्या आएगा प्लस का टू के, और वहां से क्या होगा माइनस का टेन, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होगा जीरो। हो गया। उसके बाद देख लो यहां से क्या है माइनस सेवन के माइनस टेन इक्वल टू जीरो, और यहां से क्या है माइनस सेवन के इक्वल टू टेन, और यहां से के की वैल्यू क्या आई माइनस टेन अपॉन सेवन, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ, और इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो अपने आप करिएगा। आज के लिए इतना ही।